मॉर्निंग का व्यू कुछ ऐसा है, चिड़ियों की चहचाहट और सूर्यदेव का आगमन। सभी दोस्तों को प्रणाम, पहलाक और सुप्रभात। और मैं वीरमल लाल आपके बीच फिर से एक नया ब्लॉग लेके उपस्थित हूँ। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिलहाल तो मैं ठीक छूँ। और जैसा कि आज दशहरा है, विजयदशमी, और जैसा कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, और जैसा कि माता दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध करने के पश्चात और आज ही दशहरे के दिन उसे मार गिराया था, और इसी के लिए 9 दिनों की ऐसी तपस्या को माँ दशहरे के रूप में मनाया जाता है। और जहाँ तक बात आती है विजयदशमी, और आज ही के दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर सीता को मुक्त किया था। और हमारी जैसे इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद दशहरे पूजन में। इसी के साथ दगड़ियों, मैं आ जाता हूँ जल्दी से नहा धोकर पहले, और उसके बाद आपको आगे की प्रक्रिया दिखाते हैं कैसे क्या करना है और कहां से शुरू करना है और कहां ख़त्म करना है। और मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। दोस्तों फाइनली मैंने नहा लिया है और इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वही मम्मी बना रही है पूरियाँ और पकौड़ी, और मैं ला गया हूँ पत्ते तोड़ के, आपको पता ही होगा इसमें पूरियाँ बाटी जाती हैं। ये बन गई मम्मी की शानदार पूड़ियाँ, और अभी मम्मी बना रही है यहाँ पर पकौड़ियाँ। ये कढ़ाई रखी हुई है और ये मम्मी धुआं लगा हुआ है, और ये पूड़ियाँ मंदिर में मैंने रख दिया। यहाँ नैवेद्य एंड सेमिया बनाई थी, सेमिया रखी हुई है। और आपको एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। दिस इज, ये है अमरूद, अमरूद की बनाई हुई हमने बकरी, पहाड़ी कल्चर की शानदार। और ये है भुज, इसकी बढ़िया भी बनती है, इसको चढ़ाने के बाद तभी हम बढ़िया भी बना सकते हैं, ऐसा हमारा पहले से रिवाज है। और कुछ इस तरह से के चार टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंकेंगे थोड़ी देर में, और इसी के साथ पहाड़ों में भुज चढ़ता है। आज के दिन दशहरे के दिन भुज राक्षस माना जाता है, रावण, जैसे रावण का अंत हुआ था वैसे आज इसका अंत होगा, खट कट करके चार टुकड़े होंगे। फाइनली हमारे पंडित जी आ गए हैं, हमारे जोजू जी, जोजू जी को प्रणाम है। और बढ़िया पंडित जी सही टाइम पर आ गए हैं, अब करेंगे पूजा पाठ। हरेला भी लाए हैं, शिवाय नमः नमः शिवाय 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 नम
कापड़ मिल रहा है वो हमने ले लिया था बूटा में ठीक है ना हमने वो कर लिया अब तो हम जब लाने वो शुद्ध अंदर वो कर लिया अंदर द्वारा उन द्वारा जिस टाइम जो कुछ टाइम परीक्षण चलिए उस टाइम बूटा था हमने वो कर लिया जिन अंदर अच्छे कुछ पानी तेल धरे आत्मा ना पूरे टाइम में हम फुल और निश्चित ही था हम सेम हो तो क्या हम लेके से लेके हैं लेके से गोग्रास नहीं खाने सो दगड़ी अब कटेगी हमारी जतिया कटेगा इसके होंगे चार टुकड़े और इसको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा में वाह ये देखो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाओं में इनको हम फेंकेंगे दिशाओं में कम्प्लीट ही फेंक लिया हमने और इसी के साथ हमारा दशहरा शुभ मंगलमय मनाया गया है और इसी के साथ आप सभी को